हेलो दोस्तों, केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए थर्ड ईयर की क्लासेस में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सृजनात्मक विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। अब इस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसके बारे में देखते हैं कि सृजनात्मकता जो शब्द है, अगर इंग्लिश मीनिंग देखें तो क्या है, क्रिएटिविटी। अभी क्रिएटिविटी शब्द कहाँ से लिया गया है, तो क्रिएटिविटी शब्द का अर्थ होता है, क्रिएटिविटी का अर्थ होता है निर्माण करना। और ये जो क्रिएटिविटी शब्द है, ये जो लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा के कैरे शब्द से लिया गया है। जैसे सबसे पहले लैटिन भाषा, उसका शब्द है कैरे, इससे बना क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी। अब इसका हिंदी रूपांतरण किया तो क्या बना, सृजनात्मकता। शब्द का अर्थ पता चल गया। अब इस कैरे का मीनिंग क्या होता है, निर्माण करना या फिर उगना। तो क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का अर्थ क्या हो गया, किसी भी नवीन वस्तु का निर्माण करना या नई चीज बनाना, तो ये होती है क्रिएटिविटी। तो अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि ये किस तरीके से होती है। तो सृजनात्मकता के द्वारा क्या होता है, सृजनात्मकता वह योग्यता है जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों, मतलब पास्ट में जो भी उसने एक्सपीरियंस किया है, वो अपने विचार, अपने जो थॉट्स होते हैं वो, और कल्पनाशीलता यानी इमेजिनेशन, किस तरीके से वो इमेजिनेशन करता है, इन तीनों चीज़ के द्वारा वह नवीन एवं भिन्न वस्तु का निर्माण करता है। किसका निर्माण किया, नवीन यानी नई वस्तु का निर्माण किया, भिन्न मतलब दूसरों से अलग, दूसरों से नई तो है, दूसरों से भिन्न भी है, उस वस्तु का निर्माण किया। तो ये क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है, जिसमें क्या होती है, मौलिकता। मौलिकता का अर्थ होता है ओरिजिनल, ओरिजिनलिटी मतलब वो वस्तु कैसी होगी, ओरिजिनल होगी, किसी की कॉपी नहीं होगी, डुप्लीकेट नहीं होगी। प्रवाहकता होती है, मतलब एकदम फ्लो में होती है वो। और अनुकूलन होता है उसे, मतलब एडेप्टेशन होता है। आदर्शात्मकता होती है यानी आइडियलिटी होती है, वो दूसरों के लिए आइडियल होती है। और कैसे होती है, आत्म प्रेरणा वाली, मतलब सेल्फ प्रेरणा, मतलब मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेट होती है। ये सब क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, किसके, सृजनात्मकता के फैक्टर्स होते हैं। तो क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी वो होती है जिसमें पास्ट में हमने जो भी एक्सपीरियंस किया है, हमारे जो भी थॉट्स हैं, हम किसी वस्तु के बारे में क्या सोचते हैं, और हमारी इमेजिनेशन किस तरीके की है, इन तीनों को मिलाकर जब हम नई वस्तु का निर्माण करते हैं, नई चीज़ बनाते हैं, और वो कैसी होती है, दूसरों से भिन्न होती है, दूसरों से अलग होती है, तो वो क्या होती है, हमारी योग्यता, वो हमारी कैपेसिटी क्या होगी, सृजनात्मकता होगी यानी क्रिएटिविटी होगी। तो ये था क्रिएटिविटी के बारे में। फिर अब आगे देखेंगे इस क्रिएटिविटी की विशेषताएं किस तरीके से होती है, कि ये क्रिएटिविटी कैसे होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए इस क्रिएटिविटी में, मौलिकता होनी चाहिए। इसमें आ गया तो नंबर वन इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, मौलिकता। ये कैसा होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, किसी की डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। फिर और इसकी विशेषता क्या हो सकती है, और इसमें देखते हैं नवीन एवं भिन्न वस्तु का निर्माण। तो इसकी दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी, नई होनी चाहिए और दूसरों से भिन्न होनी चाहिए। तो क्रिएटिविटी की दूसरी जो विशेषता क्या हो गई, एक तो नई होनी चाहिए और दूसरों से अलग होनी चाहिए। पहले क्या थी, ओरिजिनल होनी चाहिए, नई और दूसरों से भिन्न होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए इसमें, लक्ष्य निर्देशित होना चाहिए, मतलब हम किसी नई वस्तु का निर्माण कर रहे हैं, हम क्रिएटिविटी प्रदर्शित कर रहे हैं किसी भी वस्तु में, तो वो कैसे होने चाहिए, हमारा लक्ष्य तो कुछ ना कुछ होना चाहिए कि हाँ मुझे इस तरीके से करना है, तो अब मैं वहाँ तक पहुँचने के लिए उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ। मेरे पास कोई पुरानी वस्तु है, अब मैं उसमें अपने पास्ट के एक्सपीरियंस जोड़ रहा हूँ, उसका यूज़ कर रहा हूँ, इमेजिनेशन की मैंने कहा मुझे इस वस्तु को इस तरीके से बनाना है, ऐसा किसी ने नहीं बनाया होगा, मुझे इस तरीके से बनाना है, तो मैं इसमें अपने विचार ऐड कर रही हूँ,
अपने जो थॉट्स है वो भी यूज़ कर रही हूँ, अपने जो पास्ट का एक्सपीरियंस है वो भी यूज़ कर रही हूँ, और इमेजिनेशन मैंने पहले से सोच ली, यानी मैंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, इमेजिनेशन कर ली यानी मैंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया। तो क्रिएटिविटी होने के लिए क्या ज़रूरी है? लक्ष्य होना चाहिए, फिर वो ओरिजिनल भी होनी चाहिए, दूसरों से अलग होनी चाहिए, और क्या विशेषता होगी इसमें? लोचशीलता होनी चाहिए। अब लोचशीलता का अर्थ क्या होगा? अब इसका अर्थ देखते हैं कि यदि किसी बालक को कोई सुंदर सा कागज़ या चित्र दे, सुंदर सा चित्र बनाने को देंगे तो वो अपनी उस मर्जी से उसमें रंग भरेगा, ठीक है। लोचशीलता का अर्थ क्या होता है? जैसे कोई बच्चा है, हमने उसे कागज़ दे दिया, उसमें चित्र बनाया हुआ है, सिर्फ उसमें रंग भरना बाकी है, अब उसे बताया नहीं कि इसमें किस तरीके से रंग भरना है, तो वो अपनी मर्जी से रंग भर सकता है, तो फिर भी वो सुंदर दिखेगा। क्यों? उसने अपने लोचशीलता का यूज़ किया, मतलब अपने खुद के दिमाग का यूज़ किया, अपने विचारों का यूज़ किया, अपने खुद की कल्पना से उसने वो चित्र बनाया। तो क्रिएटिविटी यही तो होती है, खुद से कुछ ना कुछ बनाना। अगर हम उसे कुछ भी चित्र दे देंगे, बाहर से आउटलाइन की हुई है, तो वो क्या करेगा? अब हम उसको बताएंगे कि हमने उसे घर बनाने को दे दिया, बाहर का आउटलाइन का नक्शा पूरा दे दिया हमने, ठीक है, ये बोल दिया दरवाज़ों पे ब्राउन कलर करना है, घर की दीवारों पे सफ़ेद कलर करना है, तो वो कैसे कर लेगा? हमने जो बोला उसने वो कर लिया। अब उसमें खुद के विचार नहीं है, उसने खुद का दिमाग नहीं लगाया, ये किसका है? बताया बताए तो ये क्रिएटिविटी नहीं हुई। तो क्रिएटिविटी होने चाहिए, क्या होनी चाहिए? लोचशीलता होनी चाहिए। अगर हम उसे कुछ बनाने को दे देंगे तो वो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ खुद का ऐड करेगा, अपने खुद के विचार रख के फिर उसे नया आकार देगा, नई वस्तु बनाएगा, तो यही क्या होती है? क्रिएटिविटी होती है। फिर अगली विशेषता होती है चिंतन का तरीका, यानी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होने के लिए क्या होना चाहिए? चिंतन का तरीका भी होना चाहिए, मतलब चिंतन होना आवश्यक है, मतलब जब तक हम सोचेंगे नहीं, इसमें क्या होता है? इमेजिनेशन होता है, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? हमें उसको सोचना पड़ेगा उसके बारे में, है ना, दिमाग लगाना पड़ेगा कि उसे किस तरीके से और कर सकते हैं, दूसरों से किस तरीके से ये अलग हो जाएगा, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? हमें तो सोचने का तरीका भी दूसरों से भिन्न होना चाहिए। फिर उसके लिए और आवश्यक होता है नियंत्रण। फिर अगली विशेषता होगी नियंत्रण। अब नियंत्रण किस तरीके से? किसी न किसी उपलब्धि को निर्देशन प्राप्त होता है, चाहे वह चित्रकारी हो, मांडना हो, रंगोली बनाना हो, या फिर मूर्ति बनाना हो, या कोई नया उपकरण बनाना हो, उसके लिए क्या होना चाहिए? हमें स्वयं पे नियंत्रण होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सोचते सोचते कहीं और पहुँचे, हम टॉपिक से अलग हो जाए, इसके लिए क्या होना चाहिए? हमें लक्ष्य निर्धारित होगा तो उसके साथ साथ हमें खुद पे नियंत्रण होना चाहिए, ये कि हम जिस बारे में सोच रहे हैं, हम चिंतन जिस बारे में कर रहे हैं, हम वहीं तक रहे, उसके अलावा हम बाकी विचार अपने मन में नहीं लाए, हम सोचते सोचते पता नहीं कहाँ पे पहुँच गए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा? हमारी ये जो क्रिएटिविटी है वो कम हो जाएगी। तो इसके अलावा और भी कई फैक्टर हो सकते हैं, जैसे जिज्ञासा भी होनी चाहिए, है ना, मतलब कुछ नया करने की इच्छा तो कब होगी? जब हम इसके बारे में सोचेंगे, हमें जिज्ञासा होगी, तभी तो हम कुछ क्रिएटिविटी कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? क्रिएटिविटी के लिए जिज्ञासा होना आवश्यक है। तो ये तो थी सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी की विशेषताएं, कि क्रिएटिविटी किस तरीके से हो सकती है। अब इसके बाद आगे देखते हैं, इस क्रिएटिविटी को समझाने के लिए कई वैज्ञानिक आए जिन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग है हमारी सृजनात्मकता के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी, थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी। देखा जाए तो कई तरीके के सिद्धांत हैं, बहुत सारे, लेकिन जो मेन थ्योरीज हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट हैं, वो पढ़ेंगे हम लोग सृजनात्मकता के सिद्धांत। तो सबसे पहला है फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये फ्रायड नाम आप लोग पहले भी सुन चुके हैं। फ्रायड कौन था? सिगमंड फ्रायड, एक साइंटिस्ट था सिगमंड फ्रायड। जब हम बुद्धि के विकास पढ़ रहे थे उसमें ये आया था, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो ये वो सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने।
अब इसने क्या बताया था कि सृजनात्मकता क्या होती है? इन्होंने बताया कि संसार के प्रत्येक प्राणी में कुछ ना कुछ मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती है और इस मूल प्रवृत्ति से व्यवहार उत्पन्न होते हैं। ये व्यवहार कैसे होंगे? समान होंगे। और जब व्यक्ति अपने मूल प्रवृत्ति से हटकर कुछ नवीन कार्य करता है तो वह नवीन चीज़ों का निर्माण करता है। तो सिगमंड फ्रायड ने इसमें ये बताया कि जो व्यक्ति होते हैं, हर एक व्यक्ति में क्या होती है? अपनी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। सब में अपने अपने मूल प्रवृत्तियाँ होती है। मूल प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है? जनरल नॉलेज। जो सब में जो सामान्य बुद्धि होती है वो, तो सब में मूल प्रवृत्ति होगी, सब में सामान्य बुद्धि होगी, तो वो व्यवहार भी कैसे करेंगे? एक जैसे व्यवहार करेंगे, समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये किसने बताया? सिगमंड फ्रायड ने बताया कि सामान्यतः जो मतलब जनरली हम देखा जाए तो जनरली जब देखते हैं तो जो मूल प्रवृत्ति होती है लोगों में, सब में मूल प्रवृत्ति समान होती है। तो अगर मूल प्रवृत्ति सब में समान होती है तो उनका व्यवहार भी कैसा होगा? समान होगा। लेकिन जो लोग मूल प्रवृत्ति से हटकर मतलब नवीन काम कर लिया, इन्होंने कोई नया काम किया, नवीन कार्य किया, तो उसके द्वारा किसका निर्माण करेंगे? सृजन किसका करेंगे? नवीन वस्तुओं का। मतलब जो व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति से हटकर कोई नया काम करता है तो उसकी क्या होती है? सृजनात्मकता होती है, यानी क्रिएटिविटी होती है। ये किसने बताया? सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने ये बताया कि हर एक व्यक्ति होता है, सब में मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। अब जो मूल प्रवृत्ति होती है वो समान व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। लेकिन जो सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं, जिनमें क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है, वो सबके जैसा काम नहीं करेंगे, उनमें अपनी कुछ अलग सी खूबियाँ होती है। तो वो क्या होती है? उनके द्वारा वो नया काम करेंगे, दूसरों से हटके कुछ काम करेंगे। तो ये क्या है? ये क्रिएटिविटी है। जो दूसरों से अलग काम करते हैं, हर कोई एक जैसा काम करेगा तो वो क्रिएटिविटी नहीं है। अगर सब में से सब लोग बैठे, उनमें से कोई एक अलग उत्तर दे रहा है तो ये क्या है? ये उन सब में से भिन्न है, तो ये क्या हो गया? क्रिएटिविटी। ये सिद्धांत दिया था फ्रायड ने, सिगमंड फ्रायड ने, जिसका नाम है फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फिर उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट आया, उन्होंने दिया गेस्टाल्ट का पूर्णाकार का सिद्धांत। गेस्टाल्ट का पूर्णाकार का सिद्धांत। अब ये सिद्धांत किसने दिया? तो देखते हैं, इस सिद्धांत का श्रेय गेस्टाल्ट को दिया जाता है। ये सिद्धांत किसने दिया? गेस्टाल्ट ने। अब इसमें इन्होंने क्या बताया कि समस्त समस्या प्रधान कार्यों का हल व्यक्ति अपनी सूझ एवं अंतर्दृष्टि से करता है। यह अंतर्दृष्टि एवं सूझ ही व्यक्ति को सृजनशीलता प्रदान करती है। गेस्टाल्ट ने क्या बताया? इन्होंने इम्पोर्टेंट माना समस्या समाधान को, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी। इन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों में समस्या समाधान कैपेसिटी होती है वही क्या होते हैं? सृजनशील व्यक्ति होते हैं, यानी उनमें क्रिएटिविटी ज़्यादा होती है। ये बताया गेस्टाल्ट ने। इन्होंने कहा कि जो लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जिनमें ज़्यादा होती है वो लोग कैसे होते हैं? क्रिएटिव होते हैं। फिर तीसरा साइंटिस्ट आया, उन्होंने बताया सहचर्य का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है सहचर्य का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? अब इस सहचर्य का अर्थ क्या होता है? तो सहचर्य का अर्थ होता है पहले से उपस्थित वस्तु या पदार्थ। साहचर्य जो शब्द है इसका अर्थ होता है पहले से उपस्थित वस्तु या पदार्थ। तो इसमें क्या होता है? प्रत्येक व्यक्ति में प्रकृति पदार्थ क्षमता होती है कि वह विभिन्न वस्तुओं के पदार्थों के बीच संयोजन एवं साहचर्य स्थापित करे। मतलब साहचर्य सिद्धांत का अर्थ ये हो गया कि साहचर्य शब्द का अर्थ है पहले से उपस्थित वस्तु। मतलब जो वस्तु पहले से उपस्थित है उसमें क्या करना? नवीन कार्य कर देना। पहले से जो वस्तु उपस्थित है, जो भी वस्तु या पदार्थ पहले से उपस्थित है उसमें क्या करना? कुछ चेंजेस कर देना, उसमें कुछ भिन्नता ला देना, यही क्या है? क्रिएटिविटी। और इस सिद्धांत का नाम है साहचर्य का सिद्धांत।
फिर अगला सिद्धांत है प्रतिष्ठा का सिद्धांत। प्रतिष्ठा का सिद्धांत, अब इस सिद्धांत में देखते हैं, कुछ लोग समाज में अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए सृजन कार्य में लगे रहते हैं और प्रतिष्ठा पाने की ललक ही उनमें क्रिएटिविटी के लिए प्रेरित करती है। मतलब प्रतिष्ठा मतलब मान सम्मान चाहिए होता है हर किसी को, तो मतलब कुछ लोग क्रिएटिविटी किस लिए करते हैं, मान सम्मान पाने के लिए। मतलब हम लोग कुछ नया काम करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे, सबसे हटके काम करेंगे तो हमें तारीफ मिलेगी, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, समाज में हमारी इमेज अच्छी हो जाएगी, तो इससे भी क्या होता है, इससे भी क्रिएटिविटी आएगी उनमें। ये प्रतिष्ठा क्या होती है, इनके लिए मोटिवेशन होता है कि मतलब लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, हमारी तारीफ करेंगे, तो ये उनके लिए मोटिवेशन होता है जिसके द्वारा वो क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। तो ये सिद्धांत कहलाता है प्रतिष्ठा का सिद्धांत। फिर अगला सिद्धांत है आत्म प्रेरणा का सिद्धांत। आत्म प्रेरणा का सिद्धांत, अब ये प्रतिष्ठा का सिद्धांत ये किसके द्वारा था, समाज द्वारा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी। और आत्म प्रेरणा मतलब खुद से मोटिवेट हो रहे, स्वयं से मोटिवेट होकर, मतलब वो खुद से चाहते हैं कि नहीं मुझ में क्रिएटिविटी आए, लोग मेरा सम्मान करें। तो इस सिद्धांत के अनुसार कुछ व्यक्ति स्वयं ही आत्म प्रेरित होकर नवीन एवं मौलिक कार्य करते हैं। मतलब प्रतिष्ठा के सिद्धांत में समाज द्वारा इन्हें तारीफ मिलती है, लोग उनकी तारीफें करते हैं, तो ये उनके लिए क्या होती है, इससे उनकी इमेज अच्छी हो जाती है, तो वो मोटिवेट और ज़्यादा हो जाते हैं कि और अच्छे क्रिएटिविटी करें। लेकिन आत्म प्रेरणा के सिद्धांत में क्या होता है, वो खुद ही मोटिवेट हो जाते हैं, वो खुद से उनमें ये ललक आ जाती है कि नहीं मुझे ये काम करना है, मुझ में और क्रिएटिविटी लानी है। तो ये सिद्धांत कहलाता है आत्म प्रेरणा का सिद्धांत। फिर अगला सिद्धांत है जन्मजात का सिद्धांत। अब जन्मजात का सिद्धांत, इसका अर्थ ये होता है कि कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, उनमें ये जो क्रिएटिविटी होती है ये जन्मजात होती है। मतलब उनमें जन्म से ही ये अलग गुण होता है कि वो दूसरों से भिन्न होते हैं। अब ये गुण किस तरीके से होगा, जैसे चित्रकार ले लो, मूर्तिकार, कवि, ये सभी क्या है, इनमें जन्म से ही अलग एक गुण है, इनमें जन्मजात गुण होता है कि मूर्ति बनाने की कला होती है, इनके हाथों में कला होती है, इनकी जो बुद्धि इस तरीके से होती है कि वह कविताओं का निर्माण कर सके। तो ये क्या है, दूसरों से भिन्न है, तो ये क्या है, इनमें जन्मजात है। तो ये सिद्धांत कैसा कहलाते हैं, क्रिएटिविटी का जन्मजात का सिद्धांत। तो ये सभी सिद्धांत हैं क्रिएटिविटी के। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं कि ये जो क्रिएटिविटी है, हमने इसकी विशेषताएँ देख ली कि ये किस तरीके से होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये क्रिएटिविटी का सिद्धांत किस तरीके से होता है। फिर उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं ये जो क्रिएटिविटी है इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो अगली हेडिंग हो जाएगी सृजनात्मकता का महत्व। महत्व में ये सारी चीज़ें आएगी कि क्रिएटिविटी का यूज़ कहाँ कहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, कि कहाँ कहाँ पे क्रिएटिविटी का यूज़ किया जाता है, सामान्य जीवन में कहाँ कहाँ पे क्रिएटिविटी का यूज़ कर सकते हैं। तो सृजनात्मकता का महत्व, महत्व में आता है जहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है वो। तो सबसे पहला महत्व हो जाएगा अच्छे कार्य को प्रेरित करने के लिए। अच्छे कार्यों को प्रेरित करने के लिए, मतलब क्रिएटिविटी के द्वारा क्या होते हैं, हम अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित हो जाते हैं। फिर उसके बाद अगला यूज है सृजनात्मकता से ज्ञान की प्राप्ति होती है, मतलब नॉलेज मिलता है हमें, ज्ञान प्राप्त। तो सृजनात्मकता के द्वारा मतलब क्रिएटिविटी आ रही है, पास्ट के जो जितने भी एक्सपीरियंस थे, हमारे प्रेजेंट में जितने भी विचार हैं और हम जितनी भी इमेजिनेशन कर रहे हैं, उन सभी के द्वारा हमने नई चीज़ बनाई, मतलब हमें कुछ और नया सीखा, और नया सीखा मतलब हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो क्रिएटिविटी के द्वारा ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद है क्रिएटिविटी का यूज़ मनोरंजन के लिए भी किया जाता है, यानी एंटरटेनमेंट के लिए भी किया जाता है, मनोरंजन के लिए।
मतलब कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग बिजनेस वगैरह करते हैं लेकिन उन्हें कुछ और शौक़ भी होते हैं। किसी को पेंटिंग का शौक़ होता है, किसी को सिंगिंग का, डांसिंग का, ये उनका क्या है, उनका खुद का अलग से शौक़ है। तो वो क्या करते हैं, ये सब चीज़ें सिर्फ खुद के शौक़ के लिए करते हैं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। तो ये भी उनमें अलग से क्रिएटिविटी है, अपनी खूबी को बता रहे हैं। तो ये भी क्या है, मनोरंजन के लिए इनका यूज़ करते हैं। फिर अगला यूज़ होता है आनंद एवं संतुष्टि के लिए। अभी मैंने बताया वही बात हो गई, आनंद एवं संतुष्टि के लिए। फिर और यूज हो जाएगा सफलता प्राप्त करने के लिए। प्रतिष्ठा के सिद्धांत में हमने देखा था, प्रतिष्ठा मिलेगी, समाज में हमें इज्जत मिलेगी तो वो और मोटिवेट होगा, ये सारी चीज़ें उसे मोटिवेट करेगी। तो सफलता मिल रही है तो क्रिएटिविटी से क्या मिलती है, सफलता। तो इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, सफलता के लिए भी किया जाता है। फिर उसके बाद है संवेगों को अभिव्यक्त करने में। संवेग मतलब इमोशंस, संवेगों को अभिव्यक्त करने में, अभिव्यक्त करने में। अभिव्यक्त का अर्थ होता है एक्सप्रेस करना, मतलब अपने इमोशंस को बाहर निकालने के लिए भी क्रिएटिविटी का यूज़ किया जाता है। मतलब अपने खुद के जितने भी विचार हैं उन सभी को बाहर निकालना, विचार, इमोशंस, थॉट, ये सब क्या है, मतलब विचार भी क्या, वो खुद के बारे में क्या सोचता है, उसके खुद के इमोशंस क्या है, उन सभी को बाहर निकालना, यही क्या है, क्रिएटिविटी है। तो ये सभी है क्रिएटिविटी का यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है। जितना भी यूज़ होता है किसी चीज़ का वो सभी किस में आता है, महत्व के अंतर्गत पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि सृजनात्मक सिंड्रोम क्या होता है। सृजनात्मक सिंड्रोम क्या होता है, सृजनात्मक सिंड्रोम। अब सृजनात्मक सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है, तो इसमें देखते हैं कि सृजनशील बालकों, किशोरों एवं वयस्कों में व्यक्तित्व प्रतिमान से संबंधित अनेक प्रयोग किए जाते हैं जिनसे प्राप्त होता है कि यह एक लक्षण न होकर लक्षणों का समूह होता है। तो ये जिसे क्या कहते हैं, सृजनात्मक सिंड्रोम कहते हैं। मतलब इसके अंतर्गत क्या होता है कि ये जो क्रिएटिविटी है, इस क्रिएटिविटी में क्या होता है, एक लक्षण नहीं होगा, इसमें क्या होता है, लक्षणों का समूह होता है। अब ये लक्षण कौन कौन से, मतलब इसकी विशेषताएं, और ये विशेषता एक तो होती नहीं है, बहुत सारी होती है। तो सृजनात्मकता कोई एक लक्षण नहीं होता, सृजनात्मकता में क्या होती है, लक्षणों का पूरा समूह होता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। तो यही क्या कहलाता है, सृजनात्मक सिंड्रोम कहलाता है। अब क्योंकि सृजनात्मकता क्रिएटिविटी की एक तो विशेषता होती नहीं, कौन कौन सी थी, मौलिकता, मतलब ओरिजिनल होना चाहिए, नया होना चाहिए, नया एवं भिन्न होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। फिर और क्या था, आइडियल होना चाहिए, आदर्शात्मक होना चाहिए, उसमें अनुकूलन होना चाहिए, जिज्ञासा भी होनी चाहिए, और लोचशीलता होनी चाहिए, और भी कई सारे थे। तो टोटली देखें तो क्या होता है, ये जो क्रिएटिविटी होती है ये सिर्फ एक तो होता नहीं है, इसका एक लक्षण नहीं होता, ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ लक्षण होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं इन सभी को क्या कहते हैं, सृजनात्मक सिंड्रोम कहा जाता है। तो आज ये था सृजनात्मक विकास, हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, अब नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।